आज का जो ये शोरूम है ये राजस्थान में बनाया है और ये सिरोड़ी नाम की एक जगह है यहाँ पर जो माउंट आबू के पास पड़ती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये माउंट आबू है, माउंट आबू से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह पड़ती है। यहाँ पर ये शोरूम तैयार किया है। जो ये शोरूम है इसमें है ना हमने वॉलपेपर का वर्क किया है और नीचे की साइड है ना वॉलपेपर नहीं लगाया क्योंकि ये एरिया ना रैक कवर कर लेगा, तो उस पर पैसे ख़राब मत करना उस वॉलपेपर पे। जितना एरिया नहीं करेगा उस पर वॉलपेपर लगवाना। और पीछे की साइड है ना बैक साइड में है ना जो वॉल है उस पर भी वॉलपेपर लगे हैं। बैक साइड में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कौन सी चीज़ हमने किस तरीके से बनाई है और किस तरीके से ये वॉलपेपर का यहाँ पर वर्क हुआ है। बैक साइड की जो वॉल है ना पूरी वॉलपेपर से तैयार है और हमने है ना यहाँ पर गेट भी दिए हैं और यहाँ पर एक खुफिया दरवाज़ा भी है। और ये दरवाजे की फिनिशिंग ऐसी है कि आप पता नहीं लगा सकते कि यहाँ पर एक दरवाज़ा भी है, तो अगर आपको करोड़ों रुपये अपने रखने हैं तो आप यहाँ छुपा सकते हो। शोरूम बनने से पहले हमने इन्हें ऐसे एक 3D दिखाई थी और इसमें आप उनको दिखाया था कि किस तरीके से शोरूम बनेगा। जैसे ये वेजिटेबल रैक यहाँ मेंशन है, ये काउंटर मेंशन है, सेंटर में दो सेंटर लाइन है जैसे कि आप सामने देख सकते हो, वहाँ पर दो सेंटर लाइन है। और लेफ्ट में हमने फ्रीजर के लिए स्पेस दिया था और ये लेफ्ट वॉल थी और पीछे बैक में ना डोर था इनका, ठीक है। और ये ह्यूमन दिखा दिया कि अगर वो वॉक करेगा तो कितना एरिया लेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार इसका टॉप व्यू दिखा देता हूँ। हमने इन्हें टॉप व्यू से भी दिया था, ये इस तरीके से शोरूम दिख रहा है, आप उधर भी देख सकते हो एक बार। और सेम ऐसा हमने 3D में डिज़ाइनिंग कर दी यहाँ पर, तो इसमें है ना कस्टमर को क्लियर हो जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ओके, मैं एक बार आपको अभी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ये शोरूम को हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है और कहाँ पर क्या चीज़ लगाई है। ये हमारी कंपनी का काउंटर है, इसको मैंने ब्लैक कलर में डिज़ाइन किया है। इसके ठीक बैक साइड में है ना ब्लैक और रेड कलर की लाइंस का वॉलपेपर लगाया है ताकि है ना मैच हो जाए ये। और ये हमारी कंपनी का नाम है एडवांस स्टोरेज डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पर हमने पाइप डंपर लगाया है यहाँ पर, तो आपका जैसे अगर बिलिंग में एक्स्ट्रा मटेरियल बच रहा है किसी क्लाइंट का तो वो इसमें डाल सकता है। अगर मान लीजिए वो अगर 1500 रुपये की शॉपिंग कर रहे हैं और वो 1000 रुपीज़ लाएँ, 500 रुपीज़ नहीं लाएँ, उसका सामान कम कराना चाहते हैं तो वो डंप कर देते हैं इसे, इसे कहते हैं डंप बीम। इसके बाद आगे आते हैं हम, ये वेजिटेबल रैक के लिए हमने बनाया है और यहाँ पर वेजिटेबल रैक जो एरिया हमने कवर किया है ये 12 फीट कवर किया है। और इससे आगे जाएंगे अगर हम तो ये वॉल रैक है, इस साइड वॉल रैक बनाया है। आइए आपको मैं आगे इसका कॉर्नर दिखा देता हूँ। यहाँ पर कॉर्नर रैक है और ये कपड़े टांगने के लिए हमने स्टैंड दिया है। मैं आपको एक बार कैमरा आगे जूम करके दिखा देता हूँ कैसा है ये कपड़े वाला स्टैंड, इस तरीके से ये कपड़े का स्टैंड भी इसमें आ गया है। और यहाँ पर ये परफोरेटेड रैक आ गए हैं और यहाँ पर है ना एक वॉल है पीछे की साइड और इस वॉल में है ना एक दरवाज़ा भी है, तो हमने दरवाजे को इस तरीके से वॉलपेपर लगाया यहाँ पर ताकि है ना ये पता ना चल पाएगी यहाँ दरवाज़ा भी है, बंद होने के बाद ये दिखता नहीं है। ये परफोरेटेड रैक है, ये वॉल रैक हो गए। यहाँ पर कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें ना मल्टीपर्पज़ स्टोर बनाना है क्योंकि ये जो विलेज एरिया है यहाँ पर कस्टमर अगर आएगा उसे हर तरह की आइटम चाहिए, तो यहाँ पर उन्हें क्लॉथ भी चाहिए, टॉयज़ भी चाहिए और ग्रोसरी का सामान, वेजिटेबल का सामान। तो इस दुकान में सारी चीज़ें मैंने रैक्स में डिज़ाइन कर दी है ताकि वो अपना सारे प्रोडक्ट यहाँ पर रख सकें। आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ सेंटर रैक ये राउंड शेप में बनाए हैं, दिस इज सेंटर रैक, और हमने डबल लाइन्स दी है। यहाँ पर हमने चलने का स्पेस भी दिया है ताकि है ना कहीं पर दिक्कत ना आए, कोई कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर से टकराए ना तो आराम से दो लोग निकल सकते हैं, एक मेरे बैक साइड से भी कोई अगर जाना चाहता है तो वो वहाँ पीछे से भी जा सकता है। आपको आगे इस साइड वॉल रैक के बारे में भी दिखा देता हूँ, इस साइड भी काफ़ी स्टोरेज दी है हमने, तो आप अपना सामान यहाँ पर भी बहुत सारा रख सकते हो। अब आपको है ना शॉप का एक थोरली व्यू दिखा देता हूँ। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. इंडिया में कहीं पर भी आपको अगर शोरूम बनवाना है अपना तो आप बनवा सकते हो। हम हमारा जो मटेरियल है इंडिया के किसी भी कोने में चला जाता है। हमारे चैनल पर इंडिया में जहाँ पर भी शोरूम बनाए हैं हमने लगभग सभी जगहों की वीडियोस हैं, तो आप वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल पे।